हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर के क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 6 की गणित लेसन 5.3। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें हम एक एक कर हल करेंगे। उससे पहले कुछ जानकारी जो हमें जाननी है वो देख लेते हैं। तो त्रिभुज अथवा ट्रायंगल, तो तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहां ध्यान रखेंगे कि इसमें ए बी एक भुजा है, उसी प्रकार बी और सी एक भुजा है, और उसी प्रकार ए और सी एक भुजा है। तो इस प्रकार तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे। साथ ही यहां ध्यान रखेंगे कि किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, एक दो और तीन, ये तीन भुजाएं हैं। साथ ही किसी भी त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, जैसा कि यहां हम त्रिभुज में देख रहे हैं, पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष और तीसरा शीर्ष, ये तीन शीर्ष हैं। साथ ही किसी भी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तो जैसा कि यहां हम त्रिभुज में देख रहे हैं, पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण, ये तीन कोण हैं। तो इन तीनों चीजों को हमें ध्यान में रखना है, तभी हम दिए गए एक्सरसाइज के सभी सवालों को बना पाएंगे। साथ ही देख लेते हैं त्रिभुज का अंतःभाग तथा बहिर्भाग। तो यह एक त्रिभुज है ए बी और सी। तो त्रिभुज के भीतर का भाग उसका अंतःभाग कहलाता है। जैसा कि यहां हम तस्वीर में देख रहे हैं, यह पीले रंग का क्षेत्र त्रिभुज के भीतर का भाग है, जिसे हम अंतःभाग कहते हैं, और इसे हम इस लाल निशान से दिखा रहे हैं। उसके बाद त्रिभुज के भुजाओं पर का भाग उसका परिसीमा भाग कहलाता है। तो जैसा कि हम यहाँ जानते हैं कि त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, किसी भी भुजा के ऊपर कोई एक निशान ले ले तो वह निशान उसके परिसीमा का भाग कहलाएगा। और तीसरा जो है त्रिभुज के बाहर का भाग, उसे हम बहिर्भाग कहलाएंगे। जैसा कि यह हम निशान देख रहे हैं, यह त्रिभुज के बाहर का निशान है, तो यह उसका बहिर्भाग कहलाएगा। आइए अब देख लेते हैं त्रिभुज का शीर्ष लंब। तो जैसा कि यहां हम एक त्रिभुज देख रहे हैं ए बी और सी, तो त्रिभुज के शीर्ष पर से सामने की भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। जैसे कि यहां शीर्ष सी पर से एक लंब भुजा ए बी पर डाला गया, तो यह एक शीर्ष लंब है। उसी प्रकार शीर्ष ए पर से भुजा बी सी पर खींचा गया लंब है, इसे भी हम शीर्ष लंब कहेंगे। और उसी प्रकार शीर्ष बी पर से खींचा गया यह लंब भुजा ए सी पर बनाया गया है, इसे भी हम शीर्ष लंब कहेंगे। तो हर त्रिभुज में तीन शीर्ष लंब होते हैं जो एक ही बिंदु पर से गुजरते हैं। यह बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। आइए अब देखते हैं त्रिभुज का मध्यिका। तो यह एक त्रिभुज है ए बी और सी। तो जो बिंदु किसी भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है और उस बिंदु को सामने वाले सिर से जोड़ दे, तो प्राप्त रेखा त्रिभुज की मध्यिका कहलाता है। जैसे कि यहां पर एक बिंदु हम ले रहे हैं भुजा BC पर, जो कि भुजा BC के बीचों बीच लिया गया है, और यहां पर से जब हम एक रेखा उसके सामने वाले सिर पर खींचते हैं, तो इसे ही हम मध्यिका कहेंगे, जो कि हुआ ए डी। त्रिभुज की
तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं तथा यह बिंदु त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है, जैसा कि यहां हम लोग देख रहे हैं। तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर गुजर रही हैं, तो उसे हम केंद्रक कहेंगे। आइए अब पहले सवाल को देखते हैं। दिए गए चित्र में कौन त्रिभुज है और क्यों? तो इनमें से आपको तीन भुजाओं से घिरे आकृति को पहचानना है जो पूरी तरह से बंद हो, तो जैसा कि हम यह पहली वाली तस्वीर में देख रहे हैं। उसके बाद इस चौथी वाली तस्वीर में और पांचवी वाली तस्वीर में देख रहे हैं, ये तीनों ही तीन भुजाओं से घिरी आकृति है, इसे ही हम त्रिभुज कहेंगे। बाकी जो दो आकृति हैं वह तीनों तरफ से बंद नहीं है। आइए अब दूसरे सवाल को देख लेते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष, कितनी भुजाएं एवं कितने कोण होते हैं? तो त्रिभुज में तीन भुजाएं और तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं, जैसा कि यहां हम एक त्रिभुज को ले लेते हैं, तो इसकी नाम भी दे देते हैं ए, बी और सी। तो इसकी तीन भुजाएं हुई ए बी, बी सी और ए सी, ये उसकी तीन भुजाएं हुई। अब बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी उसके शीर्ष कहलाएंगे और भुजा ए सी और बी सी के बीच की यह जो दूरी है उसे हम कोण कहेंगे। तो यह पहला कोण, यह दूसरा कोण और यह तीसरा कोण हुआ। तो इस प्रकार त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं। आइए अब तीसरे सवाल को देख लेते हैं। त्रिभुज आर एस टी में शीर्ष कोण और भुजा के नाम लिखिए। तो यहां यह त्रिभुज आर एस टी दिया गया है, इसमें हमें शीर्ष कोण और भुजा के नाम बताने हैं। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं आर एस, एस टी और आर टी। त्रिभुज में तीन शीर्ष हैं आर, एस और टी। और त्रिभुज में तीन कोण है, कोण आर एस टी, कोण एस टी आर और कोण एस आर टी, ये तीन कोण है। चौथा सवाल है, आकृति में त्रिभुज सी ए बी के अंतःभाग, बहिर्भाग और सी त्रिभुज पर स्थित बिंदु बताइए। तो त्रिभुज के बहिर्भाग में स्थित बिंदु है आर। त्रिभुज के अंतर्भाग में स्थित बिंदु है पी और त्रिभुज पर स्थित बिंदु है क्यू। आइए पांचवें सवाल को देख लेते हैं। इसमें खाली स्थानों को भरना है, तो पहला है, त्रिभुज के शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब
त्रिभुज की खाली स्थान कहलाती है। तो खाली स्थान में भरेंगे शीर्ष लंब, तो त्रिभुज के शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज के शीर्ष लंब कहलाती है। दूसरे नंबर पर है त्रिभुज के सिर से भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की खाली स्थान कहलाती है। तो यहाँ खाली स्थान में हम भरेंगे माध्यिका। तो इस प्रकार त्रिभुज के सिर से भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। और तीसरे नंबर में है त्रिभुज में माध्यिका जिस बिंदु पर काटती है उसे खाली स्थान कहते हैं। तो खाली स्थान में यहाँ भरेंगे केंद्रक। त्रिभुज में माध्यिका जिस बिंदु पर काटती है उसे केंद्रक कहते हैं। तो आप सबको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले। आपका लाइक करना है हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।